अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह सद्गति को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की भी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ढा होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा ऋषि को अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उन्हें उचित नहीं लगा, अतः वे अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन किया हुआ है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। अतः वह पृथ्वी पे होते हुए भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो इसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राजा दान करने के साथ साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी जी की ओर चल पड़े। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे भी कर लेकर उन्हें जलाने के लिए आज्ञा देते। चांडाल ने उन्हें यही काम सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा सुनो तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें इस दशा से मुक्ति मिलेगी। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही पुत्र की देह शमशान तक पहुंचाने वाला ही कोई था। वह रोती बिलकती पुत्र की देह को अपने हाथों में उठाए अकेली ही रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, परंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यह चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझसे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा यहाँ ना जलाया जाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता।
तो तुम कुछ भी देकर पुत्र की देह को जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यहाँ एक साड़ी ही है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसमें से आधी ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि तुम्हारा कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या को साथ लेकर भगवान अपने धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।